वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है 6 तारीख और है सिंजारा। आप सभी को सिंजारे की बहुत बहुत बधाई। और कल होगी तीज और ये व्लॉग जाएगा कल, तो तीज की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। याद आ गया तो विश कर दे रही हूँ, वरना मुझे याद ही नहीं रहता है। तो बस सुबह का सारा रूटीन हो गया था। टिफिन में आज ना मैंने अप्पे दिए थे और नारियल, मूंगफली और धनिया की मिक्स करके ना चटनी जो है वो बनाई थी, तो वो दिए थे। तो अब मुझे खाना बनाना होगा, तो क्योंकि रोज रोज ना वो लोग भी टिफिन में खाने ही खाने से परेशान हो जाते, तो बहुत दिनों से दोनों जने बोल रहे थे कि अप्पे बनाओ अप्पे बनाओ। तो आज फिर मैंने टिफिन में अप्पे दिए थे। पूजा वूजा सब कुछ हो चुके हैं सिंजारा, इसलिए मैंने ये न्यू वाला पहन लिया है। शाम तक देखते हैं कुछ ट्रेडिशनल पहन लेंगे। एक तो ये घर पे नहीं रहते ना, तो फिर मेरा दिल नहीं करता। फिर भी मैं सोमवार को लहरिया साड़ी और सब पहन लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से तैयार हो गई, लहरिया पहन लिया आज मैंने सुबह सुबह नया। और अब जो है खाना बनाती हूँ। खाने में सोच रही हूँ अभी तो दाल चावल करने थे, शाम को देखते हैं क्या है, क्योंकि सब्जी वही गिनी चुनी होती है और सब्जियाँ कुछ खास है नहीं। तो लौकी रखी है, तो मैं सोचूँ शाम को कोफ्ते वगैरह ऐसा कुछ कर लेंगे। तो चलो अभी तो मैं सोचू दाल चावल जो है वो बना देती हूँ। तो इलू भी आके खा लेगी, इलू के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं आज से, और ये भी आके खा लेगी फटाफट से। फिर चावल जो है वो चढ़ा दे रही हूँ, दाल मैंने भिगो रखी है, तो जैसे ही भीगेगी तो मैं उसको बना दूंगी। और अब जो है मुरमुरे छाने थे पिछले महीने के रखे हुए थे, तो सोचा तो था कि आज ही बना लूँगी नमकीन, फिर मेरा दिल नहीं हुआ क्योंकि पिछले महीने के तो थोड़े से चूरा चूरा हो रहा था, तो वो चूरा मुझे निकालना था। नए वाले मैंने डब्बे में भर ही दिए थे पिछले दिन। तो नमकीन कई तरीके की बनानी है, बट वही है कि मन जिस दिन होता है ना उस दिन तो लग के इंसान काम कर लेता है, बट मन ऐसा कुछ खास था नहीं। मौसम ऐसा हो रहा ना तो बॉडी अजीब सी है ना, आलस फील करती है। तो बस मैं इनका छान के रख देती हूँ पॉलीथिन में। और ये मम्मी सिंजारा दे के गई थी, मतलब कि सास। तो ये छोले हैं, सेवई की खीर है, पूड़ी थी, घेवर, जयपुर में घेवर चलता है, बीकानेर में सत्तू होता है, और ये पैसे थे। तो ये था मेरा सिंजारा। सोच रही हूँ इनका कुछ चीज़ ले लूँ कोई भी। कई बार क्या है घर में ही उठ जाते हैं, इनको लेने देने में ही हो जाता है कि चलो पैसे नहीं निकलाए हुए तो ये दे दो वो दे दो। तो यूँ तो मैं सेविंग कर लेती हूँ, जैसे भैया दूज के या कोई भी मुझे मिलता है तो उसके, बट कई बार क्या है कि खर्च हो जाते हैं घर में ही। तो मैं सोचूँ कुछ ले लेंगे। ये देखो इसकी जिद्दी, बाहर जाना है तो जाना ही है। गेट का क्या हाल कर देते, देखो ये हाल कर देते। बाहर इसको नहीं भेज सकते, बारिश भी हो रही है और आज सिंजारा तीज है, तो वो ढोल बजा के वो वाले लोग भी आ रहे हैं। बाहर जाएगी, उनको भौंकेगी करेगी, उससे अच्छा घर पे रहे। तो अंदर ही रखने की पूरी कोशिश करते हैं इसको, लेकिन इसकी जिद, और नहीं छोड़ो तो फिर गेट के सामने बैठ जाती, फिर रोती है मन में रोती है। है बहुत प्यारी, लेकिन इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इलू आएगी आधा पौना घंटा में, हालांकि टाइम लगेगा मुझे। मैं सोच रही हूँ तब तक मैं मेहंदी लगा लूँ, तो आज रात को नहीं करना पड़ेगा ये काम ना, इसलिए ये वाली तो मैं लगा ली और इतना काम कर लिया कि हल्की भी पड़ गई। चलो लगाते हैं। फोन मेरे पास रखे थे तो सोच रही लगा लूँ। तो बस टाइम था तो मैंने कहा चलो उसका सदुपयोग करते हैं और मेहंदी लगा लेते हैं। 2-1 घंटे रखूँगी और फिर निकाल देंगे। तो रात को ना कई बार आलस आ जाता है, नींद आते आते मैं लगाओ, तो मैंने कहा चलो अभी लगा लेते हैं। वैसे तो आज बहुत सारी लेडीज़ ना रात को रात रात तक लगवाएंगी, क्योंकि जयपुर में बहुत माना जाता है इसलिए।
ये आई स्कूल से, मुझे देख के खुद लगाने लग गई। मैंने बोला मैं लगा दूंगी रात को, लेकिन इसने भी ईयरबड लॉरी लगा ली है और उल्टी डायरेक्शन और उल्टी डायरेक्शन। ये देखा मेरी मेहंदी। मस्त है ना, मेरे फूल यूं नहीं यूं उगते हैं। ये देखो पास से, ये ना ये वाला आता है, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये लग गई मेरी मेहंदी और बैक साइड की भी मैंने लगा लिया। वैसे मैंने इसका शॉर्ट ना डाल दिया था कल ही, तो ये मैंने लगा ली। तो जब आती है तो फालतू में पैसे क्यों खर्च करने, सीज़न होता है मैंने पहले बताया ना, तो 300-400 ऐसी मेहंदी के ले लेते हैं दोनों तरफ की। तो फिर जब आती है तो इतना पैसा क्यों खर्च करना, मैं पैती के पैसे बचाओ ना, क्यों खर्च करने, है ना। तो इस तरीके से मैं बचा लेती हूँ पैसे, मेहंदी वहंदी खुद ही लगा लेती हूँ। फिर से इन लोग को छोड़ने के लिए मुझे ले आए थे ये लोग, और ये खा रही है। हमारे लिए भी इन्होंने बनवाई है, क्योंकि टाइम था ट्यूशन में अभी, तो फिर इन्होंने ये दही पपड़ी वाली प्लेट बनवाई ट्यूशन के पास ही। और ये धीरे धीरे उतर रही है मेहंदी, अच्छी लगा लेती हूँ ना मैं, बहुत मस्त लगा लेती हूँ। क्या दही कम है, वो चटनी ज्यादा लग रही है। तो दोपहर को तो फिर मेरा शूट करने का ज़्यादा दिल नहीं किया, इलू को छोड़ के आई, फिर घर को वापस से साफ़ किया, वही रूटीन रहता है शाम को। मैं कहती हूँ जो पूरा सुबह का रहता है ना, वही मेरा शाम का रहता है। तो फिर वो तो मैंने शूट किया नहीं, और दिल भी नहीं था, पता नहीं आज अजीब सा दिल दिमाग हो रहा था। तो मैंने कहा चलो अब दिया बत्ती का टाइम हो गया है तो वो करके आते हैं। तो पूजा करने आई थी तो बस मुझे ये दिखाई दे गया, इसकी इलू की बुक्स जो है यहाँ से वहाँ हो रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको सेट करते चलते हैं, इसके रूम को सेट करते चलते हैं। वैसे पूरा साफ़ रहता है क्योंकि यहाँ पे आना जाना ज़्यादा है नहीं, सुबह को आती हूँ पूजा करने, शाम को आती हूँ पूजा करने, सफाई हुई भी रहती है, पूजा से पहले कर देती हूँ तो ज़्यादा ख़राब रहता नहीं। कभी इलू अपने यहाँ पे पढ़ ली या फिर कोई बुक्स वुक्स इधर से उधर की तो फिर हो जाता है तो ये थोड़ा सा मैसी। तो उसको फिर मैंने अभी सेट कर दिया है, और यहाँ पे अब कर ले रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि हस्बैंड ने खाना बनाने से मना किया था, बोले थे कि बिल्कुल हल्का कुछ बनाना, पोहा वगैरह, क्योंकि आज लेट खाना खाया था, फिर गोल गप्पे और खा लिए, तो किसी को भी भूख नहीं थी, ना तो इलू को, ना ही इनको, और ना ही मुझे। तो जब इस चीज़ का भी, मैंने कहा क्यों ना टाइम का सदुपयोग किया जाए, जब खाना अगर नहीं बना रहे, हल्का फुल्का बनाना है, तो फिर क्यों ना फ्रिज की क्लीनिंग कर ली जाए। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि फ्रिज को क्लीन करूँ, ये तो मैंने सामान निकाल दिया इसलिए ऐसा दिख रहा है, वरना ये और भी गंदा हो रहा था। तो बस बैठ के विम जेल लिया और उस कपड़े से, गीले सूखे कपड़े से मैंने इसको पूरा साफ़ कर दिया, पहले उस साइड का, फिर डोर साइड का मैंने क्लीन कर लिया। तो जो भी कोई समय मुझे मिलता है ना, और जैसे कि खाना कम बनाना है या कभी खिचड़ी बनानी है या फिर नहीं बनाना, तो उस टाइम का सदुपयोग मैं इस तरीके से जो है वो कर लेती हूँ। टाइम था और पिंक नेल पेंट मेरी लगी हुई थी, तो बस उसको मैं सोच रही हूँ कि ग्रीन लगा लूँ, कल जो सूट पहनूंगी ना उसके मैच की। ये मेहंदी कलर का सूट है जो लाई थी ना मैं, जो मैंने दिखाया था, तो वो मैं पहनूंगी, सुबह पहनने का सोचा था,
तो बस ये मेहंदी कलर वाली ना नेल पेंट जो है मैंने लगा ली थी, अभी ये मेहंदी कलर पकड़ेगी। अभी इसको निकाल दिया था मैंने, जल्दी ज़्यादा नहीं रखा था, ये कल सुबह कलर पकड़ लेगी। तो ये दोनों उसमें मैंने लगा लिए। खाने में बस फिर हमने ये वेजिटेबल मैगी बनाई थी, तो बस ये खाया था। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।